गुड आफ्टरनून एवरी ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड एंड ऑल गेस्ट मैन हु गिव मी अ गोल्डन चांस टू स्पीच ऑन दिस स्टेज. आई एम नवेद रजा. आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग फ्रॉम ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश. आई एम फ्रॉम बिहार. आई बिलोंग टू कटिहार but currently I live in Jamia Jadia Razbia. So I am going to deliver a speech about freedom fighter of India. आज हम और आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तानी आज़ादी तारीख का एक अहम बाब है जिसे हम और आप कभी फरामोश नहीं कर सकते. 15 अगस्त 1947 से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ वो दिन से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान को और पूरी हिंदुस्तान में बड़ी शान शौकत से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और हम और आप सब मुजाहिदीन आज़ादी की याद मनाते हैं. लेकिन शायद के हमें मालूम नहीं कि उस जंगे आज़ादी में शहीद होने वाले मुजाहिद की तादाद कितनी थी. हम सोचते हैं कि आज़ादी यूं ही मिल गई. आज़ादी की अहमियत उन्हें पूछिए जो कभी कैद में रहा हो, जो कभी बेड़ियों में अपने हाथों को बेड़ियां लगवाया हो. आज़ादी की अहमियत तब मालूम होती है जब इंसान कैद से आज़ादी में आता है. जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया सबसे पहला पंजा उसने कलकत्ता की सरजमीन पर मारा और उसने कलकत्ता को अपने आगोश में लेने के बाद पूरे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की. लेकिन उसकी कोशिश लगातार नाकाम होती रही. जब उन्हें हिंदुस्तान के दीगर राज्य को अपने आगोश में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो उसकी ख्वाहिश थी कि पूरे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लिया जाए. मगर वो इसमें लगातार नाकाम होते होते उन्होंने एक साजिश रची कि आखिर हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में कैसे लिया जाए. क्योंकि जो ही वो ये सोचता था कि हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लें तो हजरत टीपू सुल्तान की सात उनके सामने आ जाया करती थी जिन्हें शेर मैसूर के नाम से याद किया जाता है. 1719 ईस्वी में हजरत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जंग किया और उसी जंग में वो शहीद हो गए बहादुरी की तरह. और वो उन्होंने एक कलमा कहा था कि शेर के एक दिन की जिंदगी गिदड़ की हजारों जिंदगी से बेहतर है. और उन्होंने अपने कौल को साबित करने के लिए अंग्रेजों के सामने ना झुकते हुए मर्द बहादुर की तरह शेर नर की तरह लड़ा और अपने जान को क्या कहते हैं राह खुदा में देकर दिन की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया. यहीं तक महदूद नहीं, इस हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों की जुल्म इंतहा को पहुंच गई, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लोगों पर इनके हक को छीनना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों को गुलामों की जंजीर में बेड़ी पहनाकर उन्हें उनके हक को छीनना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान के लोगों को अपने हक से महरूम किया गया, फिर हिंदुस्तान के कौम ने मुत्तहिद होकर एक आवाज़ उठाई कि हम कब तक जुल्म सितम के शिकार होते रहेंगे, हम पर कब तक जुल्म सितम ढाया जाएगा, आखिर हमारा हक हमें कब मिल दिया जाएगा, आखिर हम भी तो हिंदुस्तानी है, हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जाता. 1857 ईस्वी में अल्लामा फज़ल खैराबादी ने दिल्ली की सरजमीन पर मस्जिद में जुमा के बाद एक तकरीर की थी, जिस तकरीर के बाद उन्होंने एक फतवा दिया था कि जिहाद करना हम पर फर्ज है. जो ही अंग्रेजों को मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने हमें हम पर जिहाद करने का फतवा दिया है, अंग्रेजों ने साजिश रचना शुरू कर दिया और हर एक को अपने अपने आगोश में और जेल की सलाखों में बंद करना शुरू कर दिया. लेकिन उसकी ये कोशिश नामुमकिन रही. क्यों? इसलिए कि सब एक बार में गिरफ्तार करना मुश्किल था. अंग्रेजों ने एक साजिश रचा और ऐलान करवा दिया कि सबके सबको मैंने आजाद कर दिया है, सबके सब बागियों
कैदियों को गिरफ्तार करने से रिहा कर दिया है। जब ये ऐलान सुना तो सारे फौज, सारे जो सिपाही थे, मुजाहिदीने जो हिंदुस्तान थे, सब बाहर निकल आए। जो ही बाहर आए, किसी मुखबरी ने खबर कर दी कि अल्लामा फजले खैराबादी घर में है। अल्लामा फजले खैराबादी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक पॉइंट की बात कहना चाहता हूँ, जब हजरत अल्लामा फजले खैराबादी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और मुकदमा लड़ना शुरू हुआ, हजरत अल्लामा फजले खैराबादी अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया बीच अदालत में कि एक मर्तबा सिर्फ आप कह दीजिए कि मैंने यह फैसला नहीं किया है, मैंने यह फतवा नहीं दिया है, और जज क्योंकि उनका शागिर्द था, उनका स्टूडेंट था, जज को भी यह नहीं मंजूर था कि अगर एक बार आप इनकार कर दें तो फिर आपको सजा से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लामा फजले खैराबादी एक शेर नर की तरह, बहादुर सिपाही की तरह डटकर कहा कि हम ही वो सिपाही है जिसने जंगे आजादी के जिहाद का फतवा दिया है और हम पर जिहाद करना फर्ज है। अंग्रेजों का ये जुमला सुनना था, उनके अंदर खलबली मच गई, शोरिश मच गई। फिर अल्लामा फजले खैराबादी को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा सुनाई गई, यहीं तक महदूद रही। अल्लामा फजले खैराबादी को काला जजीरा में सजा देने के साथ साथ उन पर इंतहा और जुल्म तशद्दुद के जुल्म बर्पा कर दिए, जुल्म बर्बरियत उन पर करना शुरू कर दिया। जब अल्लामा फजले खैराबादी 3 साल की मुद्दत के बाद इस दार फानी से दारुल बका की तरफ कुछ कर जाते हैं तो नाम आता है हजरत किफायतुल्लाह काफी का, कि जब उन्होंने जंग आजादी की जिहाद का फतवा दिया, मुरादाबाद की सरजमीन पर वो सदरुल शरिया थे, उन्होंने फतवा दिया अपने आवाम को कि हम पर जिहाद करना फर्ज है क्योंकि अंग्रेज हद को बढ़ रहा है, वो हद से तजावुज कर रहा है। अंग्रेज कहा कि ये नहीं कि हमारा हक हमसे छीन ले क्योंकि हम हिंदुस्तानी है और हमारा हक हमको मिलना चाहिए, हम खुद मुख्तार मुल्क के बाशिंदे हैं और हम खुद मुख्तार हैं और आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। फिर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू वगैरह आए और हिंदुस्तानी को किसी तरह आजाद हुए। यहीं तक महदूद नहीं थी, फिर चंद्रशेखर आजाद ने एक नारा दिया था, हिंदुस्तान को आजाद करने में बहुत लोगों का खून लगा है, हिंदुस्तान को सींचने में अपनी जान और माल और इज्जत आबरू को लुटाया गया है, अपने खून से हिंदुस्तान को रंगरेज करके इनके सर सुशादात को बहरबर किया गया है, तभी जाके हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क बना है। जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि ये मुल्क हमारा है, हम खुद मुख्तार हैं, हम खुद फ्रीडम फाइटर हैं और खुद राज करेंगे, तो अंग्रेजों ने उनको क्या अगर निशाना बनाने की कोशिश किया था, तो चंद्रशेखर आजाद ने पहला ऐलान किया था कि हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, दुश्मन की गोलियों को हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। फिर पटना की सरजमीन से बिस्मिल्लाह खान ने एक नारा दिया था, वो नारा क्या था कि वो नारा अंग्रेजों के खिलाफ, जब अंग्रेजों ने जुल्म सितम कर ढाना शुरू कर दिया और हद को बढ़ गई, तो बिस्मिल्लाह खान ने एक नारा दिया था, वो नारा क्या था, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। वो नारा ये था कि जब बिस्मिल्लाह खान ने ये नारा दिया तो अंग्रेजों ने और खलबली मच गई। 1857 ईस्वी को जंग का ऐलान हुआ था, जंग आजादी का फतवा दिया गया था, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया गया था। जो चिंगारी फूकी गई थी 1857 ईस्वी को, उस चिंगारी को बुझाने की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि इस चिंगारी को यहीं पर बुझा दिया जाए, और उलमाए इस्लाम ने और हिंदुस्तान के बाशिंदों ने जो बीज बोया है आजादी का, उसको पौधा उगने से पहले मरोड़ दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए ताकि ये बीज फिर पौधा की शक्ल में ना आ जाए। फिर अंग्रेजों ने एक एक करके जब सबको सराखों में डाल दिया, फिर भी अंग्रेज के दिल में खटक रही थी कि हिंदुस्तानी है या यूं ही नहीं मानने वाले, अगरचे हमने किसी को आजाद, किसी को सलाखों में बंद कर दिया है, मगर हिंदुस्तान की कौम जिंदा हो चुकी है, हिंदुस्तान के बाशिंदे जिंदा हो चुके हैं, ये आजाद थे, आजाद ख्याल के हैं, ये यूं ही नहीं मानने वाले। अंग्रेजों ने और तदबीरें और शुरू कर दी कि हिंदुस्तान के लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनके जहन को बांटा जाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके बांटने की कोशिश की, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, सिख को ईसाई से लड़ाया, हालांकि सब भाई भाई थे, सबको लड़ाकर उन्होंने हुकूमत को कायम करके उस हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की, मगर हिंदुस्तान के मुसलमान चालाक थे, हिंदुस्तान के हिंदू सिख ईसाई सब होशियार थे कि अंग्रेज हम तुम्हारी शिकंजे में नहीं आने वाले, क्योंकि
कि तुम चालाक लोमड़ी की तरह हो, तो हम भी शेरे नर की औलाद में से हैं, हम तुम्हारे चालाकियों में नहीं आने वाले। सब लोग एक बार मिलकर मुत्तहिद होकर जंग का ऐलान किया। फिर जो चिंगारी 1857 ईस्वी को फूकी गई थी, जो बीज 1857 ईस्वी को लगाया गया था जंग आजादी के नाम पर, वो उन्हें 1957 ईस्वी को आजादी के नाम से नजर आती है, और 1957 ईस्वी को वही पौधा एक पेड़ की शक्ल में नजर आता है। अल्लामा इकबाल ने क्या मशहूर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता। आपस में देखना हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद।